आपसे कह रहा है डिटरमाइन के सो दैट के प्लस टू फोर के माइनस सिक्स एंड थ्री के माइनस टू आर थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन ए पी. आपसे कह रहा है दीज टर्म्स आर इन ए पी. तो अगर ए पी में है जो मैंने आपसे कहा था दीज आर इन ए पी देन डिफरेंस इज सेम. यस दीज आर इन ए पी सो डिफरेंस विल बी सेम. ये हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज सेम थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. तो जरा सॉल्व करो और के की वैल्यू निकालो. ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ध्यान रखना. तो जब इस तरह के क्वेश्चन में डिस्कस करूं तो लिख लिया करो. हियर ये आपके लिए लिख रहा हूं कंडीशन, दीज आर इन ए पी सो ए टू माइनस ए वन इज इक्वल्स टू ए थ्री माइनस ए टू. ये दोनों लाइन एक्स्ट्रा हैं जिन बच्चों को समझ में नहीं, अदरवाइज आप डायरेक्ट कर सकते थे. आपको सीधा सा एक ही लाइन लिखनी थी. हेयर 4k माइनस सिक्स ये मेरी सेकेंड टर्म है, माइनस k प्लस टू ये मेरी फर्स्ट टर्म है, विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म 3k माइनस टू माइनस सेकेंड टर्म 4k माइनस सिक्स. सिक्स आ रहा है ये हमारे पास है. तो आपके पास क्या आएगा, ओपन करेंगे 4k माइनस k 3k और माइनस सिक्स माइनस टू माइनस एट एंड 3k माइनस 4k माइनस k एंड माइनस टू प्लस सिक्स इज प्लस फोर. तो k को इधर लाइए 4k हो जाएगा, 8 को इधर लाइए 12 हो जाएगा. तो k इज इक्वल्स टू कितना आएगा, मर्जिया 6 कैसे आया था बेटे. तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है ऑलरेडी. मर्जिया कहीं गलती थी, चेक किया जी बेटे. सर आई थिंक मैंने 5k लिख दिया. ठीक है तो चेक करो k इज इक्वल्स टू 3 इज द क्वेश्चन, दिखा दीजिए एक बार. k प्लस टू 4k. हाँ सर वो लास्ट मैंने 5k लिख दिया. ठीक है तो ये हमारे पास होता है बेटे कंडीशन. चलो अब जो हमारे पास क्वेश्चंस थे अब वहां से हम डिस्कस करते हैं. छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, दोबारा से देख लीजिए सब बच्चे, जरा ध्यान से सब बच्चे आ जाइए, जरा देखिए. एक्चुअली हम क्या कह रहे हैं, फिर रफ कर रहे हैं. ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 5 है, ये हमारे पास 7 है, ये हमारे पास 9 है, ये हमारे पास 11 है. तो ऐसे नंबर जिनके बीच में डिफरेंस सेम होता है उन्हें हम ए पी कहते हैं. तो यहाँ पे डिफरेंस प्लस टू का है, फिर यहाँ पे डिफरेंस प्लस टू है, यहाँ पे डिफरेंस प्लस टू है. तो एवरीवेयर डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस सेम होता है तो इसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. अगर कॉमन डिफरेंस है, इफ देयर इज ए कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म देन दीज टर्म्स आर इन ए पी. तो हम कह रहे हैं ये ए पी में है, पहली चीज. दूसरी चीज हमने यहाँ एपी में कहा था कि जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है इसको हम ए वन कहते हैं, इसको हम ए टू कहते हैं, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म, इसको हम थर्ड टर्म कहते हैं. लेकिन हमने कहा था कि हम फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं. हैं तो सारे ए वन ए टू स्मॉल से ही कर रहे हैं, बट इसको स्पेशली हम स्मॉल ए कहते हैं. और ये जो डिफरेंस आता है इसको हम कॉमन डी कहते हैं. तो हो क्या रहा है, अगर आप चेक करेंगे यही जो यहाँ हो रहा है, जो आप ऑब्जर्व करेंगे यही हमारा फॉर्मूला बन जाता है कि अगर हमें पता है कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है और हमें पता है हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, तो हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करके नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं. कोई सी भी नेक्स्ट टर्म जो हमें पता है उससे आगे वाली टर्म आ जाएगी. तो 3 अगर पता है तो 5 आएगा, 5 मालूम है तो 7 आएगा, 7 मालूम है तो 9 आएगा. आप सीधा सीधा प्लस टू ऐड करते जाइए. ठीक है तो यही फॉर्मूला है. हम क्या कह रहे हैं, अगर हमें पता है कि हमारा फर्स्ट टर्म ए है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है और हमें पता है कॉमन डिफरेंस डी है, तो नेक्स्ट टर्म हमारा ए प्लस डी हो जाएगा. हम उसमें डी ऐड कर देंगे. अगर फिर हम डी ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट टर्म हो जाएगा, लेकिन ए प्लस डी ए प्लस टू डी हो जाएगा. अगर हम फिर d ऐड करेंगे तो नेक्स्ट हमारा a प्लस 3d हो जाएगा. बस यही हमारा फॉर्मूला है. अगर हम नेक्स्ट ऐड करेंगे तो
तो a प्लस 4d हो जाएगा। तो यही हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला सिर्फ इतना है कि हमें a में d ऐड करना है, लेकिन d कितने टाइम ऐड करना है इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन। पोजीशन मींस अगर आपको फिफ्थ टर्म चाहिए तो यू हैव टू ऐड d फोर टाइम्स। फॉर फोर्थ पोजीशन वी हैव टू ऐड थ्री टाइम्स। फॉर थ्री पोजीशन वी हैव टू ऐड टू टाइम्स। तो अगर हमारे पास ये है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? फिर हम ये कर सकते हैं कि अगर सपोज करो मुझे टेंथ टर्म चाहिए तो टेंथ टर्म के लिए ए में मुझे डी ऐड करना पड़ेगा, लेकिन नाइन टाइम्स। लेकिन हमेशा, वेरी गुड, शाबाश बेटे, लेकिन हमेशा पोजीशन से एक कम। तो टेन अगर यहाँ है तो यहाँ नाइन आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. बस इतना ही याद रखना है। अगर अब मुझे 20th टर्म चाहिए तो सीधा सीधा सा मेरा होगा ए प्लस 19d। ये हमारे पास है। तो अगर हम ये वाली एपी ले रहे थे, सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, 3579 3579 अगर हमारे पास एपी है और इसके अंदर हमारा फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस हमारा 2 है और मैं आपसे कहने लगूं 20th टर्म बताओ, तो 20th टर्म का फॉर्मूला हो गया ए प्लस 19d। तो 19 2 38 प्लस 3 41। ये हमारे पास। अब हम क्या कह रहे हैं, अगर ये हमारे पास A1 है, ये हमारे पास A2 है, ये हमारे पास A3 है, तो हम कोई भी पोजीशन निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं X पोजीशन, X टर्म निकालो। तो X ना कह के हम Nth टर्म कहते हैं, N पोजीशन। तो An हम निकाल सकते हैं, N यहाँ पे पोजीशन है। N का मतलब 20th टर्म, 100th टर्म, 30th टर्म, 500th टर्म, कोई सा भी टर्म हो सकता है। तो An टर्म जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ए में हम डी को ऐड करेंगे। लेकिन मैंने अभी आपसे कहा डी कितने टाइम ऐड होता है, जो हमारे पास पोजीशन है उससे एक टाइम कम ऐड होता है। ये फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? जी। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है सर? इस ए एन के फॉर्मूले में हमारे पास, हमने कहा था चार चीजें हैं। ये ए एन जो है ये टर्म की वैल्यू है, nth टर्म। nth टर्म हमारा क्या है? जैसे अभी हमारा 10th टर्म जो है, हमारा जो 20th टर्म जो है वो 41 आया। 20th टर्म इज 41, तो 41 ए एन की वैल्यू है। तो ए एन हमारा वैल्यू होता है, टर्म की वैल्यू, वैल्यू ऑफ टर्म, उस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू। ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है। एन हमारा पोजीशन होता है कि कौन सी टर्म आप निकाल रहे हो, 20th, 10th, और डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो हमने आपसे कहा था पूरी सेकंड एक्सरसाइज सिर्फ इसी फॉर्मूले पे, ओनली ऑन दिस सिंगल फॉर्मूला। या तो आपको इस चार टर्म है, हमारे पास फोर वैल्यूज हैं, ए एन, ए एन और डी, इन चार में से तीन देगा, एक इक्वेशन बनाएगा, या फिर दो इक्वेशन बनाएगा, दो दो वैल्यूज देगा। तो ये हमारे पास है। कैसे हमारे पास है देख लीजिए। कोई सा भी क्वेश्चन आप बच्चे उठा सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी ये ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी समझ में आ गया है, तो कोई भी क्वेश्चन। तो अब कुछ थोड़े से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनाए हैं, हम उसको अब डिस्कस करेंगे। तो पहला तो हमारे पास ये है बेटे, और ये अपने आप में दो क्वेश्चन बेसिकली हैं हमारे पास, एक फर्स्ट क्वेश्चन और एक ये थर्ड क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आपको अपना पूरा एक्सरसाइज समझने के अच्छे काम में आ जाएगा, कि अगर हम इसको समझ लें तो एक्सरसाइज समझ में आ जाए। ये हमारे पास है, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। तो ये अलग अलग पार्ट हैं, हम पहले एक एक पार्ट करते हैं, ठीक है? कैसे करते हैं, बस आपको पोजिशंस ही चाहिए। यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, आप सब बच्चे देखिए, ये मेरे पास फर्स्ट है, आपसे मैं कह रहा हूँ कि मिसिंग टर्म बताइए, ठीक है? मिसिंग टर्म इस वाले क्वेश्चन में तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, सब बच्चे समझ लीजिए। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि जो भैया मिसिंग टर्म है, सपोज करो वो ए टू है, सब बच्चे देख लीजिए, इसे हम दो तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ तीन ही टर्म है। तो अगर तीन टर्म होते हैं तो हमारे पास सीधा सा, जो सबसे पहले मैंने आज आपसे शुरू करा, थ्री टर्म्स का एपी में होने का फायदा क्या होता है?
a2 minus 2 is equal to 26 minus a2. Yes, आप कहना चाह रहे हैं कि difference same होगा. हाँ भाई, सब बच्चे बताओ, अगर सिर्फ तीन टर्म है बेटे और वो ap में है तो yes, उनका डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा. तो फिर यहाँ तो कुछ करना नहीं था. वैसे मैं दूसरे तरीके से भी करूंगा, तो यहाँ तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे सब बच्चे. ए टू माइनस टू इज इक्वल टू 26 माइनस ए टू. सब बच्चे बताओ, ये बात समझ में आ गई? Yes. तो बेटे ए टू को बेटे एक साइड ले लीजिए तो टू ए टू आ जाएगा बेटे, और टू को बेटे इधर ले लीजिए तो 28 आ जाएगा. तो टू से कैंसिल कर दीजिए बेटे, तो ए टू कितना आएगा? 14. तो ये तो आप इस तरह से भी बता सकते थे अगर सिर्फ मुझे मिसिंग टर्म ही चाहिए. लेकिन अगर आपसे ये कह दे कि ए बताइए, डी बताइए, मिसिंग टर्म बताइए, तब फिर अलग चीज हो जाएगी. तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सारे क्वेश्चंस को एक ही तरह से करेंगे. कैसे करेंगे अब देखो, एक्चुअली हमारे पास जो भी क्वेश्चन होगा, सब बच्चे प्लीज ध्यान से देख लीजिए, फॉर्मूला बेटे जहन में रखना है. फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. सिंगल फॉर्मूला है, दो ही फॉर्मूले हैं पूरे चैप्टर में. तो पहला फॉर्मूला ये है, ठीक है. अब हमारे पास क्या है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन लिखो. भाई इन्फॉर्मेशन क्या है कि भाई हमें फर्स्ट टर्म पता है, ए इज इक्वल्स टू टू, बहुत अच्छी बात है, ठीक है. अब हमें और क्या पता है? हमें क्या पता है जी, ए टू मिसिंग है. चलो जी, बहुत अच्छी बात है, ए टू तो निकालना है. अब आप खुद सोचो, अगर ए टू निकालना है तो ए टू होता क्या है, कोई बच्चा मुझे बताएगा? A1 plus D. A1 plus D या A plus D? हाँ भाई, सब बच्चे बताओ. A2 जो होगा बेटे, A plus D होगा. A में D को add करेंगे, लेकिन one time करेंगे क्योंकि position 2 है. तो A तो मेरे पास है बेटे 2, तो सिर्फ मुझे किस चीज की वैल्यू चाहिए? D. D की वैल्यू चाहिए. चलो, तो D हमें कहीं ना कहीं से ढूंढना है. तो अब हमारे पास और क्या बचा? हमारे पास बचा बेटे कि हमें 26 दिया हुआ है. 26 कौन है, कोई बताएगा मुझे? A plus 2D. हाँ, A plus 2D. कौन सी टर्म है ये सलमान? थर्ड. तो थर्ड टर्म लिखिए, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 26. सब बच्चे देखो जरा ध्यान से, मैंने आपसे कहा है कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है सिर्फ मैं वो लिखना चाह रहा हूँ. तो मेरे पास फर्स्ट टर्म 2 है, A2 मेरा मिसिंग है और A3 दिया हुआ है. A को मैं कुछ नहीं लिख सकता, A2 अभी मैं नहीं निकाल सकता. तो मैं अगर कुछ कर सकता हूँ या जहाँ मेरे पास अभी कुछ करने के लिए है, वो है A3. अभी आप बच्चों ने कहा कि A3 किसे कहते हैं? A plus 2D. बहुत अच्छे, शाबाश. A plus 2D को A3 कहते हैं. तो A3 की जगह हम A plus 2D कर सकते हैं. लेकिन क्या अब हमारे पास A की वैल्यू गिवन है? सब बच्चे बताओ. Yes, yes, sir. तो A की वैल्यू, A की वैल्यू कितनी गिवन है? 2. शाबाश. तो 2 को इधर ले जाओ बेटे, 2d is equals to 26 minus 2, 24 आ जाएगा. तो d equals to कितना आ गया? 12 बेटे, 14 नहीं. 12. d is equals to कितना आ गया? 12. अब आप खुद समझिए बेटे, अब मतलब अगर आपके पास a और d है तो फिर आप ap में कुछ भी निकाल सकते, कुछ भी. आप 20th टर्म निकालो, 50th निकालो. तो a हमारे पास पहले से दिया हुआ था 2, और d हमारे पास आ गया, हमें निकालना है सिर्फ a2. तो वो हो जाएगा a plus d. A हमारा 2 है, D हमने 12 निकाला है. 12 प्लस 2 कितना हो गया? 14. ऐसे करना है. जरा एक बार पेन चला लो, ठीक है, दोनों मेथड से करो जरा, तो नींद भागेगी. फिर आप मेरे साथ करना, पूरी एक्सरसाइज अभी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह. करो जरा पेन चलाओ.